नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल डंके की चोट पे में आपका तहे दिल से स्वागत है। और आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे नाखूनों में दर्द होने पर आजमाएं के बारे में। इस वीडियो को लास्ट तक देखें। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों हमारे YouTube चैनल डंके की चोट पे तुरंत सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पर हम आपके लिए ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव जानकारी वाले वीडियो रोज लेकर आते रहते हैं। नाखूनों से सेहत का पता लगाया जा सकता है, लेकिन कुछ लोगों को नाखूनों को लेकर यह गलत धारण है कि कैल्शियम की कमी ही नाखूनों से जुड़ी तमाम समस्याओं का कारण है और वो कैल्शियम की गोलियां को सेवन शुरू कर देते हैं, जो कि गलत होता है। क्या आपको पता है नाखूनों में कैल्शियम बहुत ही कम मात्रा में होता है और वे केवल ऊपरी हिस्सों में ही होता है। सही बात तो यह है कि नाखूनों में कैरोटीन प्रोटीन की बड़ी मात्रा है, जो नाखूनों की आकृति बनी और बनावट में भूमिका निभाता है। शरीर में प्रोटीन की कमी होती तब नाखून पतले हो जाते हैं और लंबाई में फटने लगते हैं। नाखूनों में रक्त संचार ठीक प्रकार से न होने पर नाखून अच्छे नहीं निकलते। कुछ लोगों के नाखून जन्म से ही नरम और कोमल होते हैं, सा शरीर में प्रोटीन की कमी के कारण होता है। सर्दी के मौसम में तो नाखून ज्यादा नहीं बते, लेकिन गर्मी के मौसम में नाखून ज्यादा अधिक बते हैं। ध्यान दीजिए, आपको पता चलेगा कि दाहिने हाथ के नाखून बाएं हाथ के नाखूनों की तुलना में तेजी से बते हैं। और एक बात है यह कि महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों के नाखून अधिक बते हैं। नियमित रूप से अपने नाखूनों पर नेल ऑयल या क्यूटिकल ऑयल से मसाज करें। नाखूनों को ठीक प्रकार से काटा जाए तो यह समस्या नहीं होगी। नाखूनों को कटते समय उनके कोनों को ध्यानपूर्वक काटना चाहिए और नाखूनों को काटकर नेल फाइल से कोनों को गोलाई दे दी जाए। पेट्रोलियम जेली या कोको बटर का भी प्रयोग कर सकती हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर जैसी जगहों पर शेयर करना ना भूलें। और अगर आपके मन में इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल या सुझाव चल रहा हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना ना भूलें, हम जल्द से जल्द जवाब देंगे। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं या अभी तक हमारा YouTube चैनल डंके की चोट पे सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि रोजाना हम आपके लिए ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी वाले वीडियो लेकर आते रहते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।